सुनिए पद्मावती जी, पद्मावती जी कहाँ है? अब, अब, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। ये लीजिए आपके मामा जी के 25,000। उधार सिर्फ 25,000 रुपए नहीं है, 2,75,000 है। क्या 25,000 का ब्याज 2,75,000? वर्ल्ड बैंक वाले भी इतना ब्याज नहीं लेते हैं। वैसे इतने पैसे मैंने कब लिए? वही पोस्ट ऑफिस के सुब्बाराव से 30,000, रामालय के सुंदरम्मा से 20,000, चाय की टपरी पे चाचा के 10,000। और बोलिए, मैंने बाहर से उधार लिया, ये आपसे किसने कहा? गांव में जिसे भी जो भी प्रॉब्लम होती है मामा जी के पास आते हैं, तो मैं उधार देने वाले भी यहाँ आकर गए हैं। उनसे पहले हम पैसा ले लें अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए सारा पैसा देने के बाद बाइक ले जाना। जी आप कौन है? हाय, दिस इज अजय, इवेंट मैनेजर। आरके जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए भेजा है। अच्छा। दिस इज चिंटू, सिक्योरिटी विंग संभालता है। दिस इज रवि, डाइनिंग विंग संभालता है। इसे ओपन कर दूं सर? क्या क्या ओपन कर दूं? मैं आपके सारे वर्क डिटेल्स लैपटॉप पर देखता हूं। ओह आई सी। हैदराबाद में सारी सेलिब्रिटी मैरिजेस, मतलब पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, बिजनेस मैग्नेट्स, सबके घर की शादियां मैं ही मैनेज करता हूं। ये शादी भी ऐसे मैनेज करूंगा कि हिस्ट्री में याद। जरूरत नहीं है, वैसे भी वासु की शादी का काम संभालने के लिए ऑलरेडी 100 इवेंट मैनेजर्स हैं। 100 इवेंट मैनेजर सर? किधर? वहाँ देखिए। वही हमारे रिश्तेदार गांव वाले हैं, शादी का सारा काम वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अभी के लिए रेस्ट कर सकते हैं। अरे वीर भैया, इनके रहने के लिए रूम दिखा दीजिए। हाँ आइए। ओके। रिडिकुलस, अजीब। अरे लगेज लेकर आ रहे। सुनिए, उन्हें बाद में देख लेना, अभी का अभी इतना कर्जा चुकाना मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बाइक मुझे मिल जाए? ठीक है, अब से उन्हें क्या चाहिए ये तुम्हें देखना होगा, और तुम्हारी बाइक का क्या करना मैं देखूंगी, ठीक है ना? ठीक है। सर लगता है यहाँ कोई काम नहीं है। मुझ जैसे क्रिएटर के पास हमेशा काम होता है। अभी मुझे एक ब्यूटीफुल थॉट आया है। क्या थॉट आया? डेस्टिनेशन वेडिंग इन विलेज। मतलब इन विलेज मैरिजेस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब डिटेल में फोटो लेना। ओके। नानी नानी, बीपी टैबलेट। मेरे पोते की शादी है, इस खुशी में मेरा बीपी शुगर सब नॉर्मल हो गया है। तुम नहीं मानोगी, खुशी के साथ साथ दवाई ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे वाह, तुम क्या बोल रही हो, ले लो दो इसे। भैया पत्रिका आ गई है। हाँ। ये लीजिए। बद्दू देख लो सब ठीक है कि नहीं। सब कुछ ठीक है मामा जी। माँ ये पहला कार्ड ले जाकर भगवान के सामने रख दो। दूसरा कार्ड तो वैसे भी हमें लड़की वालों को देना है ना। वैसे भी शादी के कपड़े लेने जाना ही है ना, श्री को ये कार्ड देकर उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलेंगे। शॉपिंग के लिए जाना है, मैं भी चलूंगी। माँ लेडीज सेक्शन उधर है, आप सब वहाँ जाइए। और जेंट्स चलो चलो। अरे क्या कर रही हो? अगर कुछ ट्राई करना हो तो ट्रायल रूम में ही आते हैं ना। क्या ट्राई करोगी तुम? किस? क्यों? लड़कों को ही लड़कियों पर प्यार आता है, हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते। जितनी शरीफ दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने कहा था कि तुम किसी से कुछ लेते हो तो उसे चलती ही लौटा देते हो। दे तो दूंगा, लेकिन ट्रायल रूम में आकर किस लौटाना, थोड़ा सा। वासु कहाँ हो तुम? यही हूँ ट्रायल रूम में। ठीक है, जल्दी बाहर आओ, बुआ बुला रही हैं। आ रहा हूँ। ये डिजाइन अलग है। हाँ, हाँ माँ तुमने बुलाया था। श्री बहू के लिए साड़ी सिलेक्ट कर दे। ये कैसी है? मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा, ये आ गई है ना, खुद सिलेक्ट कर लेगी। पदु तू जरा वहाँ जाकर बैठ जा। आओ बेटी। ये कैसी लगी? आओ बैठो। अच्छी है। अच्छा शादी में रिश्तेदारों को भी साड़ियाँ देनी होती है, वो भी अभी ही ले लेते हैं ना। हाँ ठीक है माँ जी। हमारे रिश्तेदार कम से कम 25-30 होंगे, उनके लिए 10,000 में हो जाएगा और बाकियों के लिए 2-3,000 में हो जाएगा। चाची मुझे एक डाउट है। बोलो वासु। जो शादी में आएंगे वो मुझे और श्री को एक जैसा आशीर्वाद देंगे या फर्क होगा? शह ये क्या बोल रहे हो, ये आशीर्वाद तो एक जैसा ही होता है ना। जब वो आशीर्वाद देने में फर्क नहीं करेंगे तो तोहफा देने में हम फर्क क्यों करें?
वो हमारे मेहमान हैं, सबका दर्जा एक है। अगर हम ही उनमें फर्क करने लगे तो ये तो गलत होगा ना चाची। उन्हें कुछ ना दें तो भी चलेगा, लेकिन कम देकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। शादी के न्योते में फर्क, खाने में फर्क, तोहफा देने में फर्क, ये नहीं करेंगे, सबको एक जैसा ही देंगे। बहुत अच्छी बात कही बेटा। जीजू कितनी जोड़ी ले रहे हो? 25 जोड़ियां। 25 जोड़ी? हाँ, तेरी दीदी दिन भर में 3 साड़ियां तो बदलती है। अब घर में शादी है तो हर घंटे बदलेगी ना। मैं उसका पति हूँ तो मुझे भी उसके जैसे लगना चाहिए। हाँ, ले लो जीजू। बहन जी। हाँ भैया। वो अब तक यहाँ आए नहीं? किसी मीटिंग में होंगे, वो आ जाएंगे। शादी के कपड़े खरीदते वक्त अगर सब साथ होते तो अच्छा होता। चाहती तो मैं भी यही हूँ, आ जाएंगे वो। 5000 crores is a deal and bins on is yeah. Hello, sir, meeting में है बेटा। और हम यहाँ waiting में हैं। जाकर सर को फोन दो। द वे वी आर गोइंग। सर, वासु जी का फोन। जस्ट अ मिनट। हेलो। शॉपिंग छोड़कर मीटिंग कर रहे हैं आप? इट्स अ 5000 करोड़ मीटिंग है। हाँ तो क्या हुआ? मतलब ये इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैं तुम्हें वहाँ साड़ी सूट दिलवाने आऊँ क्या? करना पड़ेगा ससुर जी, परंपरा के अनुसार दुल्हन के माता पिता के साथ ही दूल्हे के कपड़े खरीदे जाते हैं, तो खरीद दीजिए। अपनी बकवास बंद करो। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रॉपर्टी टू मी। टाइम को मैं ऐसी छोटी बातों के लिए वेस्ट नहीं करता। ये डील हो जाएगी तो आपका बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, आपकी कंपनी को एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा, यही ना? श्री ने बताया था कि आप हमेशा कहते हैं जबान देना बिजनेस स्टार्ट करने जैसा होता है, उस पर खरा उतरना बिजनेस सक्सेसफुल करने जैसा। आप तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना? तो आपको जबान की वैल्यू मैं क्या समझाऊं? मुझे अच्छा ये पसंद है, हाँ, ये ले लो ना फिर। हाय ससुर जी। तुमने आने के लिए कहा, आ गया। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट में हो जाएगा? सिलेक्शन में थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक्चुअली सासू माँ कंफ्यूज हो रही हैं कि कौन सी साड़ी खरीदें, तो आप जाकर उनकी मदद कर दीजिए। जाइए ना। हाँ लक्ष्मी, टेल मी। सुनिए, इन साड़ियों में से कौन सी अच्छी है? प्लीज दिस, या टेक दिस। थैंक यू। या सही हो रही सारी एक्टिविटीज की फोटोज ली? या सब ली है सर। स्वीटी, ओपन कर दूं सर? कर दूं? सारी फोटोज अपलोड करो। तुमने क्या किया रवि? सुबह से जो जो खाया है हर रेसिपी की लिस्ट बनाई है। गुड, शादी तक कोई भी फोटो मिस नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ओके। सुन गणेश, हाँ, जानता है शादी से पहले ऐसे हरे पत्ते क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि शादी से पहले जीवन ऐसे ही हरा रहता है। और पता है कुछ दिन बाद सारे पत्तों का क्या होता है? सूख जाते हैं। लड़के की लाइफ भी ऐसे ही होती है। यहाँ मेरी शादी हो रही है, दादी ने तेरी बातें सुनी ना तो हड्डियां तोड़ देंगी। श्री बोलो ना। क्या कर रहे हो वासु, बहुत बिजी हो क्या? हाँ बिल्कुल। हमारी शादी की तैयारियां कितनी हुई है दिखाओ मुझे। कौन कौन आया वो भी दिखाता हूँ। हमारे फ्रेंड्स। हाय। हाय। ओह, तुम सब आ गए? कब का, तुम्हारी कमी है, जल्दी आओ। देखो शादी की तैयारियां हो गई हैं और मंडप यहाँ लगने वाला है। सारे अंकल लोग पत्ते खेल रहे हैं। शादी की सारी धूमधाम तो वहीं दिखाई दे रही है, मुझे भी आने का बहुत मन है। हम वहाँ कब आ सकते हैं? अपनी दादी से पूछकर बताओ ना। One minute. दादी, दादी,
श्री को कब तक आना होगा? अब कब आना इसका क्या मतलब हुआ? शादी में अब एक ही हफ्ता बचा है ना, कल ही अच्छा मुहूर्त देखकर निकलने के लिए कह दो। लड़की वाले हैं, उन्हें यहाँ बहुत काम होते हैं। सुना ना, कल ही निकल कर आ जाओ। आर यू मैड श्री? शादी में अभी एक हफ्ता है, कल ही हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? वासु की दादी ने कहा कि शादी में बहुत काम होते हैं। उन लोगों के पास सिर्फ शादी ही है, मेरे पास 100 काम है। आई एम रनिंग ए बिजनेस एम्पायर हियर। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? शादी की बात करने उनके गांव गए, शॉपिंग के लिए मॉल गया, सो जब भी बुला रहे हैं जा रहा हूं, सोच रहे हैं खाली हूं। लिसन, मैं शादी के एक दिन पहले ही जाऊंगा, कह दो उनसे। शादी के एक दिन पहले आने का क्या मतलब हुआ? एक हफ्ते में शादी रखकर फिर अचानक इतना जरूरी काम क्या आ गया उन्हें? जब तूने कहा कि श्री से तुम्हें शादी करनी है, पता है घर के सारे लोग क्यों मान गए? क्योंकि सबको तुम पर भरोसा है। हमें लगा कि तुम सबके बारे में सोचते हो। हमारे और भी कितने सारे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में भी तो सोचा होगा ना। तुम्हारी दादी ये शादी अपनी इच्छा के हिसाब से करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उन सब से मेरा भरोसा टूट रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं पापा। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा। कह रहा हूं ना, कुछ नहीं है। जैसा दादी ने सोचा है शादी वैसे ही होगी, वो कल आ जाएंगे। It's not an ordinary marriage. It's a beautiful traditional marriage. So please come and bless us. Sure. Hi, Sasur ji. तुम यहाँ कैसे? आपसे मिलने घर आने वाला था, लेकिन आप घर से ज्यादा यहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ चला आया। आप मीटिंग खत्म कर लीजिए, फिर मेरे गांव चलेंगे। मैंने कहा ना, नहीं हो पाएगा। I am in between a hectic schedule. हाँ, मैं जानता हूँ ससुर जी। हेलो। हाय आर के, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अगले फ्राइडे को तुम्हारी बेटी की शादी है। तुम्हारा दामाद आकर वेडिंग कार्ड देकर गया, और शादी से इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं है, हम मीटिंग शादी के बाद रख लेते हैं। या। ओके बाय। हेलो। कांग्रेट्स मिस्टर आर के। वी विल डिस्कस आवर प्रोजेक्ट आफ्टर योर डॉटर्स मैरिज। ओके। आई विल मीट यू इन द मैरिज। ओके देन। थैंक यू। हेलो। हमारी बेटी की शादी है ना? आई वोंट बी कमिंग, गॉड ब्लेस हर। अपने ससुर का शेड्यूल इसलिए मांगा था, तू मामूली इंसान नहीं हो। शादी के एक दिन पहले आने वाले थे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। सडनली इतने प्रोग्राम्स कैंसिल करना आपके लिए भी मुश्किल होगा ना, इसलिए सबसे बात करके मैंने पोस्टपोन कर दिया। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, कम सून। नमस्ते समधी जी। नमस्ते। आइए। या जीजू। हाँ। इन्हें अपने घर लेकर जाइए। हाँ। आप वहाँ उस घर में रहने वाले हैं। हे, पैर धोने के लिए पानी लेकर आओ। कम। नमस्ते। नमस्ते। आप इसी रूम में रहेंगी? बहुत अच्छा है। हम दोनों सेम एज के ही है ना, तो मुझे आप कह रही हो तो अजीब लग रहा है। कॉल मी श्री, मैं भी तुम्हें नाम से ही बुलाऊंगी। ठीक है। ये फोटोज किसकी हैं? मेरी और वासु की बचपन की फोटो है। ये फोटो? वासु और मेरी बचपन में शादी हो गई थी। शादी? वही गुड्डे गुड़िया की शादी। बेटी। हाँ? श्री से कहो तैयार हो जाए, पंडित जी आ गए। हाँ। सुनिए, लड़की के पिता को सुबह उठकर दूसरा कोई भी काम करने से पहले स्नान आदि करने के बाद शादी के कार्य करने होंगे। कैसे काम पंडित जी? खेत से लाई हुई पहली फसल को आपको मटकी में भरनी होगी, और अक्षत के चावल आपको ही धोकर सुखाने होंगे। वर और वधु के बीच पकड़ने वाले कपड़े पर
हल्दी लगाकर बीच में ओम लिखना है। इतना ही नहीं और भी कई काम होते हैं समधी जी। इन्हीं ही नहीं लड़के वालों को भी तो बहुत से काम होते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा सबको।